पीटीआई आशा वर्कर बिजली कर्मियों व रोडवेज कर्मियों के बाद अब शिक्षक भी सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के बैनर तले शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षक लाल बत्ती स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल से हाथों में बैनर लेकर पैदल ही लघु सचिवालय पहुंचे। बाद में शिक्षा मंत्री के नाम नायब तहसीलदार अनिल कौशिक को ज्ञापन सौंपा गया। सड़कों पर उतरे शिक्षकों की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रधान रविंद्र कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा अध्यापकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाना गलत है, जिसका संघ पूर्ण रूप से विरोध करता है। परिवार पहचान पत्र के सत्यापन कार्य में ड्यूटी लगाने से शिक्षक वर्ग में खासा रोष है। जहां अब स्कूल खुले हैं और पढ़ाई कार्य अभी शुरू हुआ है, ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी अन्य कार्यों में लगा दी गई है। इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित होगी, यही समय बच्चों के दाखिले का है, इस पर भी असर पड़ेगा। इस दौरान कहा गया कि हर साल परीक्षा परिणाम आने के बाद सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन शिक्षकों से सारा साल गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। 80% से ज्यादा बीएलओ प्राथमिक शिक्षकों को ही बनाया गया है, जबकि इसके लिए अन्य विभागों के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक को भी बीएलओ बनाया जा सकता है। इसका वह बहिष्कार करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम जो है एडीसी साहब के माध्यम से दे रहे हैं। समस्या हमारी ये है कि हमारे जो साथियों की ड्यूटी लगाई गई है ट्रिपल पी के तहत जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में, और इसके अंतर्गत काफ़ी समस्याएं हमारे को आएंगी। गांव में हमने जाना पड़ेगा, उनकी आय सत्यापित करनी है। आय सत्यापित करने के लिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। ये सरकार को चाहिए कि जो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनसे ये कार्य करवाए, क्योंकि वो इसके बारे इसके लिए बहुत से सक्षम हैं, पटवारी आदि वो कर सकते हैं। हमने जो बीच में जो है हमारा ये कोरोना काल आया था, उसमें भी मानवीय आधार में हमने सर्वे भी किया था, राशन वगैरह भी बांटा था, परंतु अब बच्चे हमारे स्कूलों में आ चुके हैं और बच्चे अब पढ़ाने का समय है, नए दाखिले का समय आ चुका है, और अब ये सर्वे का कार्य हमारे से करवा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। फैमिली आईडी को लेकर जी, नाम क्या आपका? सुरेंद्र राठी। काम लगती है, इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के लिए आज हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट में हमारी परिवार पहचान पत्र सर्वे में ड्यूटी लगाई गई है, उसको कटवाने के लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे बच्चे और पेरेंट्स से क्यों एडमिशन करवाएंगे अगर टीचर्स ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो उनको भी समस्या आएगी बच्चों की। हमारी मेन समस्या बच्चों से ही है। क्या नाम है? मीनू सर। स्कूल में मान लिया 5 टीचर हैं, 5 की ड्यूटी लग गई, अब पीछे से बच्चे क्या करेंगे? या तो फिर अध्यापकों के सिर के ऊपर रख कर सरकार अपना मसला हल करना चाहती, इनका निजीकरण करना चाहती है। क्या ये कार्य उचित है? जब स्कूल में कोई अध्यापक नहीं रहेगा तो ये स्कूल खोले किस लिए है? इनको बंद कर देना चाहिए फिर, कम से कम जितने क्लास उतने टीचर तो स्कूल में रहना चाहिए। हमारी सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। ये नहीं अगर वह मान लिया उसी गाँव में हो दूसरे गाँव में भी लगा दी। मेरा स्कूल GPS धर्मगढ़ है, हमारे हम 6 टीचर हैं, 270 बच्चे हैं, सारे टीचर हैं, ड्यूटी लगा दी, कौन संभालेगा वहाँ बच्चे? जिला महासचिव राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ पानीपत से हूँ। आज हमारा प्रशासन के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन है और हम यहाँ पर एक ज्ञापन देंगे ADC सर को और जो शिक्षा मंत्री के नाम जाएगा। हमारी जो मेन समस्या है जो गैर शैक्षणिक कार्य जो हमारे से लिए जा रहे हैं और उससे हमारा जो वास्तविक कार्य है शिक्षण कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। हमारे बच्चे जो 1 साल से घरों में थे और अभी सरकार ने उनको स्कूल खोले हैं, आज वो हमारे पास आए हैं, और जैसे ही वो बच्चे हमारे पास स्कूलों में आए तुरंत हमारी ये फैमिली आईडी को लेके हमारी ड्यूटी लगा दी है। हमारी मेन समस्या हमारे बच्चों की पढ़ाई को लेके है, जो कि पढ़ाई उनकी खराब हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम कार्य से पीछे हटते हैं, कोरोना काल में हमने हर टीचर ने हर JBT अध्यापक ने घर घर जाके राशन तक बंटवाया है, हम पीछे नहीं हटे। अब नए एडमिशन, लेकिन अभी नए एडमिशन शुरू हो रहे हैं, नए एडमिशन के दौरान इस तरीके से तो हमारे स्कूल ही बंद हो जाएंगे, फिर हम स्कूलों में क्या करेंगे? बच्चों को प्राइवेट स्कूल वाले ले जाएंगे, हम क्या करेंगे? तो हमारी सरकार से ये मांग है कि, और जोरदार मांग है कि हमारा ये जो ड्यूटी लगाई गई है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और इसके स्थान पर किसी और की ड्यूटी लगाई जाए।
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक